देखिए सरकार ने पानी लिया, सरकार ने सुरक्षा दी है, जेट सुरक्षा, पहले जेट प्लस था उसे कम कर दिया, जेट सुरक्षा है। और जिस दिन भी दौरा होता है उस दिन प्रोटोकॉल भी जारी होता है, तो जो संबंधित जो थाने हैं उनको जानकारी होती है और उसके बाद बजरंग दल के लोग रास्ता में अनावश्यक बिना कोई कारण के रास्ता रोका जाता है। मैं तो इन पीएसओ से कहा कि हम रूट बदल के चल, पहले तो मैं समझा कोई ये लोग नारा लगा रहे थे, मैं कोई धार्मिक जुलूस होगा तो हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, क्योंकि चौराहे की बात थी। फिर जब मोड़ने लगा तो उधर भी मेरे गाड़ी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो व्यस्तम मार्ग है, पहले से रोके हुए नहीं थे। जैसे मेरी गाड़ी पायलटिंग की सायरन बजी वो तुरंत मेरी गाड़ी सामने आ गया, नहीं तो वो दो मिनट यदि वहां चक्का जाम करो तो वो तो फिर कुर्सी पार और कुमारी तक जाम लग जाता है। लेकिन वो केवल मेरे गाड़ी को टारगेट किए थे और उग्र होकर नारेबाजी कर रहे थे। जितने पीएसओ थे उतरे, रास्ता क्लियर करने की कोशिश की तो उनके साथ गाली गलौज किया, धक्के मुक्के किया। और जब पीएसओ लोगों को धक्का मुक्की करने लगे तो फिर मैं उतरा अपनी गाड़ी से, क्या बात है, तो उन्होंने कहा आतंकी हमला हो गया। और एक एक लड़के हाथ दिखाने लगे कि इस पे आतंकी हमला हुआ है। मैंने कहा भाई थाना जाओ, सरकार तुम्हारी है, थाना तुम्हारा है, वहां जाओ, यहां क्या कर रहे हो। तो फिर भूपेश बघेल मुर्दाबाद और उसके बाद गाली गलौज सब शुरू कर दिए। तो इनका उद्देश्य मुझे बाधित करना था, और यदि हम लोगों की तरफ से थोड़ा भी, पीएसओ लोगों की तरफ से थोड़ा से भी और आगे बढ़ते, संयम से काम लिए तो बच गए, नहीं तो वहीं ये लोग जितने बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसे कांच को मुक्के से मार रहे थे, साधारण गाड़ी की कांच होती तो टूट भी जाता।